Hi guys, welcome to Unlocking Tech Minds, and today we are going to learn error trapping and handling in PowerShell. In this video, we are going to understand what are the differences between error and exception, how to trap exception, and how to review, capture, and trap the errors. चलिए शेल पे हैंड्स ऑन करते हैं. सबसे पहले एक कमांड चला के देखते हैं जो जिससे हम समझ पाएंगे कि एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस होता है. लेट मी रन अ कमांड लाइक wim ऑब्जेक्ट. मतलब बहुत बार हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, कुछ भी एरर आ जाता है या रेड स्क्रीन में कुछ लिख के आता है, हमें क्या लगता है कि ये एरर है, बट कई बार वो एक्सेप्शन भी हो सकता है. ठीक है, अब चलिए विन 32 अंडरस्कोर सर्विस और पैरामीटर में ले लेते हैं कंप्यूटर नेम, और कंप्यूटर नेम ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, नो शो, मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो मिलना नहीं चाहिए इसको, डेफिनेटली एरर ही आना चाहिए. लेकिन एक कमांड क्या, कुछ सेकंड ज़रूर लेते हैं एग्जीक्यूट होने से पहले. अब इस कमांड में देखिए क्या आ जाती है, द गेट डब्ल्यू एम आई ऑब्जेक्ट द आर पी सी सर्वर इज अनेबल, मतलब ये कंप्यूटर अनअवेलेबल है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से. एंड दिस इज द एक्सेप्शन नॉट एन एरर, कमांड हमारी बिल्कुल सही है, सर्वर नेम गलत है. ठीक है ना, तो कई बार होता है कि एरर मिले, कई बार होता है एक्सेप्शन मिले, तो उसको ही डिफ्रेंशिएट करके आप आगे ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं. चलिए ये तो समझ में आया कि यार ये तो हमने कंसोल पे चलाई. एक काम और करते हैं, हम एक छोटा सा फंक्शन लिख लेते हैं लाइक ट्रैप राइट हो सॉरी कुड नॉट कनेक्ट बैकग्राउंड कलर ब्लू, और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. देखिए फंक्शन तो बिल्कुल सही लिखा हमने, लेकिन अभी भी एरर मैसेज सेम है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर जैसे सपोज मैंने कोई भी वो ये कमांड चलाई, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है जिसे बोलते हैं एरर एक्शन प्रेफरेंस वेरिएबल, वो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू पे सेट होता है, स्टॉप पे सेट नहीं होता. तो सीधा उन्होंने मैसेज दे दिया आपको और सीधा वो रन कमांड चल गई, ये हमारा जो फंक्शन है जिसे कहते हो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ. ठीक है, लेकिन हमें तो इसको एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या कमांड चलाएंगे, हम एक यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करेंगे छोटा सा. ठीक है, कौन सा वेरिएबल मैं बताता हूँ. ठीक है, उसका नाम है डॉलर एक्शन एरर एक्शन प्रेफरेंस. इसको बाय डिफॉल्ट जो होता है ये कंटिन्यू पे होता है, और हम इसको डिफाइन कर देंगे स्टॉप. ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं. ये देखिए चल गया और आपका एरर मैसेज इसमें ब्लू में आ गया, जो कलर था ब्लू. आप देख रहे हैं ना क्या डिफरेंस आया कमांड चलाने से, पहले ये नहीं ले रहा था. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट उसको कमांड को चला देता था जो रिजल्ट आता देता था. अब इसने क्या किया है कि इसने पहले ये ट्रैप फंक्शन एग्जीक्यूट कराया और फिर कमांड एग्जीक्यूट कराया, तो इससे आपको क्लियरली पता चला कि ये जो मैसेज है थोड़ा और क्लियर हो गया. बहुत जगह स्क्रिप्ट का आपको जरूरत चाहिए कि आप ये रेड वाला मैसेज की बजाय कोई आपका डिफाइन एरर मैसेज आ जाए, सॉरी कुड नॉट कनेक्ट, भाई ये कंप्यूटर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रादर देन गोइंग टू सर्च द आरपीसी सर्वर इज अनेबल, क्या मतलब है इसका, एक्सेप्शन क्या मतलब है इसका. बहुत बार माइंड ऑक्यूपाइड हो जाता है तो ज़्यादा एरर्स को एनालाइज कर नहीं पाते, तो बेटर होता है कि स्क्रिप्ट अगर हम चला रहे हैं बहुत लंबे स्क्रिप्ट हैं तो हमारी थोड़े कस्टमाइज एरर मैसेज वहाँ पर आ जाए. अब आप कहते हैं यार एरर मैसेज तो कस्टमाइज आ गया, ठीक है ना, हमने एरर कराया ये स्टॉप हो गया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यू करे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक छोटा सा यहाँ पे पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा एरर एक्शन का, और यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टॉप, लेकिन यहाँ हम मेंशन कर देते हैं साइलेंटली कंटिन्यू. ठीक है, अब चला के देखें क्या रिजल्ट आता है. ये देखिए अब इसमें इसने सिर्फ एरर मैसेज दिया कि सर्वर कंटिन्यू नहीं है, बाकी जितना भी रेड एरिया था वो हटा दिया. तो अब आपके लिए और आसान हो गया स्क्रिप्ट में देखने के लिए यार वो सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ है. ठीक है, तो इसमें जो की जो फीचर्स हैं वो हैं एरर एक्शन पैरामीटर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसको आप चाहो तो सिर्फ ई ए करके यूज़ कर सकते हो,
और दूसरा एरर एक्शन प्रेफरेंस वेरिएबल जो हमने यहाँ पे यूज किया। तो होप ये आपको थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ साइलेंट कंटिन्यू की बजाय स्टॉप हो जाए यार ये। तो मैं यहाँ पे भी स्टॉप कर देता हूँ इसको, बाकी कमांड सेम रहने देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि हम इस दो जो हमारे एरर एक्शन पैरामीटर और एरर एक्शन प्रेफरेंस वेरिएबल्स हैं इनको कैसे यूज कर सकते हैं। कोई क्वेरी रह जाए तो मुझे जरूर बताना। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, पहले शेल में समझ लेते हैं कि हायरार्की कैसे काम कर सकती है स्क्रिप्ट की या फंक्शन की। सपोज जैसे शेल है, पावर शेल है, ठीक है, इट्स अ ग्लोबल, मतलब सब जगह सेम ही होता है। फिर उसके अंदर हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, एफ एम राइटिंग एनी स्क्रिप्ट। फिर उसके अंदर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ, और अगर उस फंक्शन में कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो वो एग्जिट होके कहाँ पे जाता है, पावर शेल में जाता है। द फंक्शन गोज बैक टू द स्क्रिप्ट। तो ऐसी हायरार्की काम करती है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, छोटा सा फंक्शन या पीस ऑफ स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, इसमें ट्रैप एक फंक्शन है, ठीक है। फिर मैंने फंक्शन ए लिखा, फिर मैंने फंक्शन बी लिखा, फिर राइट समथिंग वन, देन आई कॉल अ फंक्शन ए, देन आई कॉल अ फंक्शन बी, एंड देन आई राइट टू। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें क्या किया मैंने, फंक्शन ए में राइट और कोट्स के बीच में स्टार लिखा है। तो स्टार इज अ वाइल्ड कार्ड, इट विल वर्क, ठीक है, जो भी हमने लिखूंगा चलेगा। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो करेगा, स्क्रिप्ट हमारी वापस कहाँ पे जाएगी, ट्रैप में। चलिए इसको शेल पे भी समझेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए शेल में आते हैं और थोड़ा सा उस फंक्शन को और समझते हैं। इफ आई एम राइट लाइक अ राइट होस्ट ट्रैप इन अ स्क्रिप्ट, ये मैंने एक ट्रैप नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, और इसमें मैंने ये मेंशन किया, ठीक है, कि बैकग्राउंड कलर ब्लू आ जाए जैसे ही आ जाए। और उसमें हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं ए नाम से, ठीक है, और इसमें लिखते हैं हम अपनी कमांड जो हम जनरली यूज करते हैं, गेट डब्ल्यू ऑब्जेक्ट व्हेन 32 अंडरस्कोर प्रोसेस एंड कंप्यूटर नेम पैरामीटर नो शो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एरर आए। और एरर एक्शन कौन सा पैरामीटर यूज करना हमें, एरर एक्शन, और एरर एक्शन बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है, और मैं चाहता हूँ कि ये स्टॉप हो जाए, जैसे एक्सेप्शन आए ये स्टॉप हो जाए। ये हमने लिख दिया एक फंक्शन। अब सबसे पहले चले क्या चलना चाहिए, बताओ बताओ, स्टेप वन, ठीक है, फिर चलेगा ये फंक्शन ए, फिर चलेगा स्टेप टू, लेट्स एग्जीक्यूट। ये जैसे ही इस फंक्शन में आया, ये एक्सेप्शन शो हुआ क्योंकि ये कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता था, ये कहाँ चला गया, वापस स्क्रिप्ट में चला गया, ऊपर ट्रैप्ड इन द स्क्रिप्ट एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया, और फिर ये नाइट टू स्टेप टू प्रिंट हो गया। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते हैं और समझते हैं कि कैसे ट्रैप होता है, कैसे हमारा कहाँ कहाँ पे हम इसको एग्जिट करा सकते हैं। लेट मी राइट अ फ्यू मोर कमांड इन साइड दिस फंक्शन, ठीक है, राइट होस्ट इन साइड, भाई इन साइड लिख रहे हैं तो इन साइड ही लिख देते हैं ना, क्योंकि जब पढ़ने में आए तो तुरंत आ चल जाए इन साइड है, इसलिए मतलब रेफरेंस काफी काम आते हैं, मतलब अगर आप इनकी हैबिट डाल के स्क्रिप्ट लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और जो एक और हम क्या कर रहे हैं, राइट होस्ट इनसाइड फंक्शन स्टेप टू,
ये दोनों लाइनें मैंने फंक्शन के अंदर ऐड करी। देखें क्या होता है। सबसे पहले ये कमांड यहाँ पे आई, ये प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर फंक्शन ए हमने कॉल कराया, फिर ये कहाँ पे गया, ये प्रिंट हुआ, देख रहे हैं। फिर जैसे ही एक्सेप्शन आया, ये सीधा आ गया ट्रैप में, मतलब मेन स्क्रिप्ट में टॉप पे, और वहां पे ट्रैप्ड इन द स्क्रिप्ट इसने प्रिंट किया, और फिर सीधा स्टेप टू पे एग्जिट कर दिया। यहाँ पर ये नहीं, समझे? तो फंक्शन में जहां पे एक्सेप्शन आएगा वो वहीं से एग्जिट कर जाएगा। कोई नहीं, अभी और एग्जांपल करेंगे और अच्छे से समझेंगे इसको। चलिए अब एक काम करते हैं, इनसाइड की बजाय हम लिख देते हैं इसको, अभी तो हमने लिखा कि इनसाइड द फंक्शन, अब हम लिखते हैं ट्रैप्ड इन द स्क्रिप्ट फंक्शन, कि भैया ये फंक्शन में ट्रैप्ड हो गया है, ठीक है, ट्रैप्ड इन द फंक्शन। और क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। क्या बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसको येलो कर देते हैं ना। हाँ, येलो मेरा फेवरेट कलर है। और मैं चाहता हूँ यार ये कंटिन्यू करे, कहीं पर भी ना एग्जिट ना करे, तो ये भी लिख देते हैं। लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं चाहता हूँ एक अलग से पीस ऑफ कोड ट्रीट हो। तो इसको मैंने फंक्शन बनाया, एग्जिट बनाया, कंटिन्यू बनाया, और यहाँ पे मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो ये फंक्शन ए के अंदर मैंने एक और कह सकते हो छोटा फंक्शन बना दिया, ठीक है। हाँ, लेकिन वो जो कमांड हमने ऊपर से हटाई है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, तो पता कैसे चलेगा ना कि इनसाइड द फंक्शन स्टेप वन कि कहाँ पे एग्जिट हुआ, कहाँ प्रिंट कर रहा है, वो भी तो पता चलना चाहिए ना, ठीक है। तो कमांड बिल्कुल सेम है, लेकिन हमने क्या ऐड किया है, एक छोटा सा फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर ऐड किया हमने। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे ये इस फंक्शन के अंदर फंक्शन आया, ठीक है ना, और ये वाली फंक्शन से इसने एक्सेप्शन आया, एग्जिट किया, तो ये बाहर नहीं गया, यहीं पे ट्रैप्ड हो गया। तो दिस वे भी ट्रैप्ड एक्सेप्शन और एरर इनसाइड द फंक्शन, ट्रैप्ड इन द फंक्शन यू कैन से। ये सीधा स्क्रिप्ट से बाहर नहीं चला गया। इसके बहुत यूजेस आएंगे, कभी आप लंबी स्क्रिप्ट लिखेंगे, आप नहीं चाहते कि सीधा स्क्रिप्ट बाहर आ जाए, कहीं पे कोई कंप्यूटर मिला ना मिले, मतलब कोई आपने मेंशन किया हो वेरिएबल चले ना चले, आप चाहते हो कि उसको कंटिन्यू करके आगे जाए, इनसाइड ऑफ कंप्लीट एग्जिट हो जाए, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक बार वापस हम शेल पे आते हैं, शेल पे आते हैं और एक कमांड चलाते हैं, गेट कंटेंट सी कोलन टेक्स्ट डॉट dll, ठीक है। फाइल है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से, आना तो एरर ही था, लेकिन अगर ये एरर अगर मुझे देखना है तो ये बहुत सारे डिफॉल्ट वेरिएबल्स होते हैं, आपको पता है पावर शेल में, तो एरर भी एक डिफॉल्ट वेरिएबल होता है। अब आप देख रहे हो कि मैंने कमांड चलाई डॉलर एरर, लेकिन एरर क्या लेके आया, जो प्रीवियस कमांड में था, सेम आप बिल्कुल मैच कर सकते हो इसको। कैन नॉट फाइंड सी कॉलम टेक्स्ट बिकॉज दिस डज नॉट एग्जिस्ट, सेम एरर ये टेक्स्ट डॉट डी एल एल आ गया। चलिए एक कमांड और चलाते हैं, गेट डब्ल्यू एम आई विन 32 प्रोसेस ले लेते हैं, ठीक है, प्रोसेस कंप्यूटर नेम नो शो। थोड़ा टाइम लगाता है, कुछ सेकंड लगाता है कंप्यूटर ढूंढने में, लेकिन डेफिनेटली एग्जिट नहीं करता तो एरर ही आएगा। अब अगर मैं डॉलर एरर चलाऊं तो क्या होगा, अब हमारे पास दो एरर्स हैं। तो ये जो दिख रही है ना, द आरपीसी सर्वर इज अनअवेलेबल एक्सेप्शन, सेम एरर आ गया, और जो प्रीवियस एरर था ना, कैन नॉट फाइंड द टेक्स्ट डॉट डीएलएल फाइल, वो भी आ गया। मतलब कि जितने एरर कैप्चर हुए वो सब इस वेरिएबल में स्टोर है, मतलब ठीक है। तो क्या फायदा इसका भाई,
चलिए ये समझने से पहले ना एक बार एरर की मेंबरशिप देख लेते हैं, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी है, मेथड है, क्या क्या इस वेरिएबल के अंदर डिफॉल्ट हमें पावरशेल ने दिया। तो ये सारी आप देख रहे हैं, ये जो है ये प्रॉपर्टीज हैं और ये है मेथड है, ठीक है। और डेफिनेट इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, जाएंगे तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा। तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट जो यूज होते हैं ना उसी पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो हम यूज करते हैं डॉलर एरर। अब जैसे मान लो 10 एरर आ गए, लेकिन मैंने अभी जो रीसेंट कमांड चलाई थी सिर्फ मुझे उसी का एरर देखना है, तो आप यूज कर सकते हैं उसको जीरो। तो जो रीसेंट एरर था ना आरपीसी सर्वर अनअवेलेबल, वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मान लो मैंने कमांड चलाई गेट कंटेंट डॉट डीएलएल, इसमें मैं चाहता हूं कि जो एरर आए ना, एक्शन नहीं, मेरे को चाहिए एरर वेरिएबल, ये पैरामीटर मैं यूज करूं और मैं नाम दे दूं योगेश एरर, ठीक है, कि ये जो एरर कैप्चर हो मेरे कस्टमाइज्ड, या मैं बोलूं कि मेरे स्पेसिफाइड वेरिएबल में कैप्चर हो। तो अब मैं अगर डॉलर योगेश एरर प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, जो एरर यहाँ पे था वही एरर यहाँ पे भी आ गया। तो ये स्क्रिप्ट में बहुत जगह यूज होगा, आप कहीं स्क्रिप्ट में लिखते हो, आपने कोई कमांड चलाई, आप चाहते हो कि वो एरर कैप्चर हो जाए, और कैप्चर होके आपको कहीं पर स्पेसिफिकली स्टोर करना हो या आपको इस पर्टिकुलर नाम से सर्च करना हो, तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया। तो समझ गए कमांड कैसे काम करती है। मैं नोटपैड खोल के आपको थोड़ा एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या समझा, ईए एरर एक्शन, उसको स्टॉप यूज करोगे तो वो रुकेगा, अदरवाइज जो डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती कंटिन्यू। दूसरा ई वी एरर वेरिएबल, एरर वेरिएबल यूज करके आप डिफाइन कर सकते हो वेरिएबल का नाम, कि जिस नाम से एरर स्टोर हो, एग्जैक्ट एरर। और जैसे हम जब कमांड चलाते हैं इसको ट्रैप, इस फंक्शन को आप कंटिन्यू कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, प्रेफरेंस लगा सकते हो कि स्लाइटली कंटिन्यू रहे, मतलब साइलेंटली कंटिन्यू रहे, किसी को कुछ पता ना चले, जैसे हमने वेरिएबल बहुत जगह यूज किया साइलेंटली कंटिन्यू का। तो ये सब आप किसमें कर सकते हो, पावरशेल में, स्क्रिप्ट में बहुत आराम से कर सकते हो। तो आज के सेशन में, मतलब आज के वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, एरर क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, और एरर को फंक्शन में कैसे ट्रैप कर सकते हैं, एरर को वेरिएबल में कैसे ट्रैप कर सकते हैं, उसको रिव्यू कैसे कर सकते हैं, और स्क्रिप्ट में हम कैसे अपने वेरिएबल्स को लगा के एरर्स को अलग से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करके जाना, फिर ऐसे नहीं जाना, और शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स को भी फायदा होगा। थैंक यू सो मच।